To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. मैं एमएम पटेल इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज की पसल। आज की पसल में आप देख रहे हैं एक चित्र, नौ स्क्वायर, नौ इक्वल स्क्वायर आप देख रहे हैं। ये फिगर बनाया गया है इक्वल स्टिक्स को उपयोग में ला करके। कितनी स्टिक्स उपयोग में लाई बताया नहीं है। हमें करना क्या है, तीन काम कर रहे हैं। पहला, चार स्टिक्स को हटा देना है, और चार स्टिक्स को हटा देने के बाद हमारे पास बचने चाहिए पांच इक्वल स्क्वायर्स। दूसरा, छह स्टिक्स को हटा देना है, और छह स्टिक्स को हटाने के बाद हमारे पास बचने चाहिए पांच इक्वल स्क्वायर्स। तीसरा, आठ स्टिक्स को हटा देना है, और आठ स्टिक्स हटाने के बाद हमारे पास बचने चाहिए पांच इक्वल स्क्वायर्स। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की पजल हमने पहले भी सॉल्व की है, लॉजिक भी डिस्कस किया। क्या लॉजिक है? सबसे पहले हम दिए गए फिगर में कितने स्टिक्स यूज हुई उसको गिनते हैं। गिनने का तरीका भी हमने सीखना चाहिए। मैंने काउंटिंग की, काउंटिंग का टोटल निकालने के लिए मैंने लिखा 2 × 3 + 3 + 3 + 3, 2 × 12 = 24। कैसे गिना? मैंने पहले हॉरिजेंटल स्टिक्स को गिना। हॉरिजेंटल, सबसे ऊपर तीन स्टिक, नेक्स्ट तीन, उसके बाद तीन, और सबसे नीचे तीन। क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिकल है, इसलिए हॉरिजेंटली हमने जितनी स्टिक्स रखी उतनी ही स्टिक्स हमने वर्टिकली रखी। हॉरिजेंटली हमने 12 स्टिक रखी, वर्टिकली 12 रखी, टोटल स्टिक्स हो गई 24। 24 स्टिक से हमें मिलने थे 6 स्क्वायर, क्योंकि हर स्क्वायर को स्टिक्स लगती है 4। यहां पर हम 9 स्क्वायर देख रहे हैं, 9 इक्वल स्क्वायर देख रहे हैं। 9 इक्वल स्क्वायर क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि कॉमन साइड्स है। अब प्रॉब्लम को फिर से एक बार देख लें। पहला, हमें 5 स्क्वायर बनाने हैं 20 स्टिक यूज करके। यहां पर 5 इंडिपेंडेंट स्क्वायर चाहिए, क्योंकि 5 × 4 = 20, कोई भी कॉमन साइड नहीं चाहिए पहले पार्ट में। दूसरा भाग देखते हैं, 5 स्क्वायर हमें बनाने हैं 18 स्टिक से, यहां पर कॉमन साइड होगी। और तीसरे भाग में 5 स्क्वायर बनाने हैं सिर्फ 16 स्टिक से, यहां पर भी कॉमन साइड्स होगी। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। हमें करना क्या है, 20 स्टिक से 5 स्क्वायर, 18 स्टिक से 5 स्क्वायर, और 16 स्टिक से 5 स्क्वायर। पहला सॉल्यूशन मैंने बनाया, सारे स्क्वायर इंडिपेंडेंट हैं। दूसरा सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, और तीसरे सॉल्यूशन में मुझे दो पॉसिबिलिटीज मिली। ज्यादा भी मिल सकती है, आपने कोशिश करनी चाहिए। दूसरे भाग के लिए भी दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सिर्फ पहले भाग में और कोई पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। कितने सर्किल्स में कॉमन साइड होगी, ये नंबर ऑफ स्टिक्स और नंबर ऑफ स्क्वायर से आप इस्टीमेट कर सकते हैं। यहां पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के साथ साथ थोड़ा विजुअल एप्टीट्यूड भी चाहिए, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर भी लगेगा। बट ट्रायल एंड एरर का डायरेक्शन आपने डिसाइड करना होगा, और वो डायरेक्शन डिसाइड होगा आपके विजुअल एप्टीट्यूड से। 501 पजल की सीरीज में इसी तरह अलग अलग तरह के एप्टीट्यूड डेवलप करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली पजल में जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।